चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंगेली जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में करीब 17 करोड़ रुपए के 66,000 क्विंटल धान शॉर्टेज आने के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। धान खरीदी केंद्रों में किस वजह से शॉर्टेज हुई, इसके लिए विभागीय जांच भी कराई जा रही है। जांच में जिले के 7 समिति केंद्रों में समिति कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है, तो वहीं धान का गबन करने जैसी बातें भी सामने आई है। इसी वजह से 4 अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर धान की चोरी कैसे हो गई और किसने कर दी। पूर्ण रूप से उठाव हो गया है, बाकी सेंटर में सतत रूप से उठाव जारी है और कहीं कहीं के शॉर्टेज की स्थिति निर्मित हुई है जहां जांच किया गया है वहां, और वहां अभी तक 4 जगहों पे FIR हो चुका है और बाकी जैसा सरकार आदेश होगा वैसे ही कार्रवाई की है। नियमों के द्वारा या परिवहनकर्ता के द्वारा यदि उठाव नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में समिति स्वयं ही जो है वो समीपवर्ती सब परिवहन केंद्रों समीपवर्ती जो संग्रहण केंद्र है वहाँ पर अपना धान जमा कर सकते थे। इसका भी परीक्षण किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टरों को जो है इस संबंध में नोटिस दिया गया है और उनके विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो उनके। रोहित कश्यप संवाददाता मुंगेली से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोहित, 54 धान खरीदी केंद्रों से 17 करोड़ रुपए का धान गायब, 4 लोगों पर FIR, क्या कर रहा है प्रशासन? FIR कर देना मतलब काम पूरा हो गया क्या इनका? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये पूरा जो मामला है जांच के विषय है। प्रशासन ने जो 17 करोड़ का जो शॉर्टेज हुआ है 54 केंद्रों में, इसका सीधा ठीकरा समिति कर्मचारियों पर फोड़ दिया है और समिति कर्मचारियों पर भरपाई के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाले जाने की बात सामने आ रही है। समिति कर्मचारी के संघ जो लगातार ये बात कहते आए हैं, इसके लिए बकायदा अभी हड़ताल में भी चले गए थे। और दूसरी तरफ समिति कर्मचारी, इस वक्त मेरे साथ विमल दुबे जी जुड़ गए हैं, जिला खाद्य अधिकारी हैं। विमल दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार विमल जी। विमल जी, 54 धान खरीदी केंद्रों से 17 करोड़ रुपए का धान रातों रात गायब हो गया, जानकारी जाहिर सी बात है आपको है, आपसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगी कि किस तरह से जांच की जा रही है और आप लोगों को कब यह जानकारी मिली है? ये मैडम, इसमें टोटल हमारे 89 खरीदी केंद्र है जिले में, जिसमें से 36 केंद्रों में तो 0 शॉर्टेज हो चुका है और 14 केंद्र ऐसे हैं जिनमें जो है 0.5 से लेके 1% तक का शॉर्टेज है जो खरीदी किए थे उसका, और 1 से लेके 2% शॉर्टेज वाले भी 14 केंद्र हैं, और 26 खरीदी केंद्र ऐसे हैं जिनमें 2% से अधिक शॉर्टेज है, माने असामान्य शॉर्टेज है इनके यहाँ, है ना। तो ऐसे केंद्रों को जिनके यहाँ सामान्य शॉर्टेज है इनके, इनको जो है इनको सेंट्रलाइज किया जा रहा है इनके ऊपर में, है ना। और शासन का जो निर्देश गाइडलाइन है जो उसके आधार पे कलेक्टर महोदय के द्वारा 6 सदस्य। विमल जी, मैं आपकी बात समझ गई। विमल जी, मैं आपकी बात समझ गई। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, शॉर्टेज हुई। एक तो धान का रखरखाव सही ढंग से नहीं होता, जब ये बात जब जाहिर सुन नहीं, देखिए सर, मतलब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती। अब सरकारी अमले की आदत हो ही गई है कि भाई मक्खी हो चाहे मच्छर हो, निगल लो तो निगल लो, ये नहीं चलेगा सर, है ना। मेरा सवाल इतना साफ है कि तस्वीरें बिल्कुल बयां कर रही हैं, 54 धान खरीदी केंद्रों से 17 करोड़ का धान गायब हो गया, इसके बारे में बता दीजिए कहाँ चला गया। आपके आला अधिकारी कह रहे हैं कि भाई ये तो ट्रांसपोर्टर की गलती से हुआ है, तो हाउ कैन दैट पॉसिबल कि ट्रांसपोर्टरों की गलती से हुआ है भी? आप लोग कर क्या रहे हैं, जो मॉनिटर कर रही है जो समिति आखिर वो कर क्या रही है फिर? ये सर मैडम, मेरा एक निवेदन है मैडम इस संबंध में, हाँ। क्या है जो असामान्य कमी साढ़े पानी गिरा या जो भी हुआ, इसके लिए सबके लिए इनको पर्याप्त राशि दी जाती है, हाँ। और राशि जो है वो प्रदेश में सभी समितियों को एक समान 3 रुपए की दर से दी जाती है, ठीक है, है ना। तो इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको जो है संभाल के रखना था इनको। अच्छा, क्या किए हैं लोग जो है, हाँ। असामान्य कमी जो जीतने वाले केंद्र है, हाँ। वो जानबूझ के शॉर्टेज को कवर करने के लिए धान को बिखरा के रखे हुए हैं, खराब कर दिए धान को, तो सर अच्छा धान तो आप ये बताइए ना, रिकवरी भी बनती है, एक प्रावधान होता है रिकवरी का। अगर आपके और मेरे बीच में कोई अनुबंध हुआ है और अगर आप उस अनुबंध के मुताबिक अगर आपकी कार्यप्रणाली गलत है और आपकी वजह से हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे कानून ये प्रावधान देता है कि मैं रिकवरी आपसे करूंगी। जी मैडम, तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर?
इस संबंध में मैडम जो है, इस संबंध में जो उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत मात्र शाखा है सीसीबी और उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं, इन्हीं के अंदर में प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार इन्हीं को रहता है, तो इनके इनकी तरफ इनकी ओर से सभी समितियों को जहाँ जहाँ पर सामान्य शार्टेज है या कम शार्टेज है, आपकी तमाम चीज समझ रही हूँ, आप मेरे साथ बने रही है। शैलेश पाठक है भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी जान लेते हैं। शैलेश पाठक जी, आप जाहिर सी चीज है पूरा मामला आपके संज्ञान में भी होगा कि 54 धान खरीदी केंद्रों से 17 करोड़ का धान रातों रात गायब हो गया। पहली बार नहीं हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल तक तब भी इस तरह की चीजें होती रहती थी, कई मरतबा हम डिस्कशन कर चुके हैं, रिएक्शन दीजिए अब आप। जी मैडम, 17 करोड़ का धान गायब हो जाना ये समिति सेवक के बस की बात नहीं है, इसमें पूरा अधिकारी मिले हुए हैं। तो शैलेश जी, अधिकारी तो वही है ना जो 15 साल से जिनको आप लोगों ने भी आप लोगों के शासन काल में थे, अधिकारी तो वही है जो धरना उस वक्त। सुन तो लीजिए शैलेश जी सुनिए, अधिकारी तो वही है, ट्रांसफर हो गया तो थोड़ी बहुत चीजें थोड़ी बहुत बदली, थोड़ी बहुत अनियमितताएं आई, लापरवाही हुई, लेकिन है तो वही अधिकारी ना। अधिकारी जी हाँ बताए, प्रदेश सरकार ने बम्बर 60 से ऊपर धान 72 घंटे में उठाने का अनुबंध पालन नहीं किया और नई समितियों को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जिस धान को सूची रखा जा सकता। अच्छा, तत्कालीन सरकार ने कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, क्या तत्कालीन सरकार के वक्त क्या धान का उठाव सही समय पे हो जाता था, धान गीला नहीं होता था, धान की चोरी नहीं होती थी, बताइए ना आप। नहीं, सब होता था, सब होता था ना, मान रहे हैं ना, जब आप मान रहे हैं कि उस वक्त भी होता था इस वक्त भी होता है, तो ऐसी क्या पॉलिसी बनाई जाए। हमारे साथ यहाँ पे विमल दुबे जी भी जुड़े हुए हैं जो जिला खाद्य अधिकारी हैं। विमल दुबे जी, क्योंकि अब राजनीतिक दल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, इसलिए आपसे पूछना बेहद लाजमी हो जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी एक पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि अगर हम 2000 बहुत पीछे भी जाए, 2008 में जाए, 7 में जाए, 9 में जाए और फिर खास तौर से 11 में जाए, तो हमने देश में किस तरह से अनाज को भीगते हुए सड़ते हुए देखा था। इतना अनाज सड़ा था इतने सालों में कि कई सालों तक आप पूरी देश की जनता को फ्री में अनाज देते तो अभी आपका भंडारण शायद खत्म नहीं होता, लेकिन आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं, स्थिति वही रहती है। कर रहे हैं मैडम इसको, जो है 36 केंद्र तो हो गए, 2 केंद्र आज और हो रहे हैं, 38 केंद्र जो है जीरो हो जाएंगे, माने उसमें प्रदान पूरा हो जाएगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए रिकवरी कैसे होगी, 17 करोड़ की रिकवरी कैसे, क्योंकि देखिए आप भी सरकारी अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है टैक्स तो देते ही होंगे ना सर। जो मैडम जो नहीं कर रहे हैं उनके भी तो 8 लोगों के खिलाफ में जो FIR के लिए आदेश कर दिया गया है, उसमें 4 का FIR हो भी चुका है, उसमें गिरफ्तारियां भी कुछ हुई है उसमें सर। FIR के बाद जो अच्छा आप जायज के लिए 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, आप लोगों ने जांच दल भी नियुक्त किया होगा, कितने लोगों का जांच दल है, कितने लोग इस टीम में शामिल हैं, जांच के बिंदु आप लोगों ने क्या रखे हैं। मैडम इसमें क्या है, मैडम इसमें जो गाइडलाइन है शासन के, जो गाइडलाइन है जांच के जो बिंदु उन्हीं को रखे गए हैं, है ना, जो शासन की गाइडलाइन है उसके आधार पर 6 सदस्यीय दल बनाया गया है जिसमें तहसीलदार महोदय जो उसके अध्यक्ष है, तहसीलदार महोदय है, खाद्य विभाग के कर्मचारी है और कॉपरेटिव सोसाइटी का जो है सीओ जो रहते हैं उनके स्तर वो रहते हैं और एक मार्केट का अधिकारी है। अगर सोसाइटी का सीओ ही अगर घपलेबाज निकलेगा तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, बहुत संक्षेप में। ये तहसीलदार महोदय का अधिकतम बनाया गया है मैडम, इसमें सभी विभाग के 6 विभागों के कर्मचारी हैं इसमें जो है और वो जो शासन की जो गाइडलाइन है उसके आधार पे जांच कर रहे हैं सर। शासन की गाइडलाइन के हिसाब से आप लोग जांच तो कर देते हैं लेकिन उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है और जो बड़ी मछलियां हैं वो हमेशा बच के निकल जाती है और गाज गिरा देते हैं आप वो छोटे मोटे कर्मचारियों पर। तो बराए मेहरबानी आप लोग इस तरह जो जांच करें तो निष्पक्ष कीजिएगा जिससे एक नजीर पेश हो सके। और मैं आपसे बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगी विमल जी कि कब तक ये जांच हो जाएगी और इसका रिजल्ट हमें कब तक मिल जाएगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1-2 हफ्ते मैडम जांच पूरी हो जाएगी, इसमें क्रमवार जांच करते जा रहे हैं और 1-2 हफ्ते में इसे फाइनलिस्ट पूरा मिल जाएगा। हम आपको 10 अगस्त को हम आपसे संपर्क करेंगे और 10 अगस्त को हम आपसे पूछेंगे कि विमल जी जिस जांच का आश्वासन आपने दिया था उस जांच का आखिर नतीजा क्या निकला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शैलेश जी आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए, सहयोगी जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।